नमस्ते, मेरा नाम राजेश है। मुझे पूरा यकीन है कि आपके दिमाग में हाथरस की वो घटना अभी जिंदा होगी जिसमें एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप होता है, जीभ काट दी जाती है और रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसकी हत्या कर दी जाती है। आपको ये भी याद होगा कि लड़की की मौत के बाद प्रशासन कितनी तेजी से हरकत में आया और रात में ही बच्ची की लाश को जला दिया, परिवार को नजरबंद कर दिया गया, गाँव में बाहरी लोगों की एंट्री बैन कर दी गई। अगर आपको याद है तो बढ़िया बात है, नहीं याद तो इतनी बातें आपको याद करवाने के लिए बताया था। दरअसल असली खेल अब शुरू हुआ है। लड़की की मौत के बाद यूपी पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कहा था कि पीड़िता के साथ रेप हुआ ही नहीं है। पुलिस के इस दावे को अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अफसर डॉक्टर अजीम मलिक ने गलत बताया। कहा FSL का सैंपल रेप के 11 दिन बाद दिया गया, जबकि सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक रेप के 96 घंटे के भीतर लिए गए सैंपल के जरिए ही रेप की पुष्टि हो सकती है। बता दूं कि CRP में साफ प्रावधान है कि रेप का आरोप लगाने वाली महिला का 9 घंटे के भीतर मेडिकल होना चाहिए। निर्भया कांड के बाद बनी वर्मा समिति ने तो मेडिकल के इस समय को घटाकर 3 घंटे कर दिया था। फिर से आते हैं मुद्दे पर। हुआ ये कि जिस डॉक्टर ने पुलिस के रेप नहीं होने के बयान को गलत बताया था उसे नौकरी से निकाल दिया गया। हाँ, आपने सही सुना, डॉक्टर अजीम मलिक को नौकरी से निकाल दिया गया। डॉक्टर मलिक के अलावा उनकी टीम के सहयोगी डॉक्टर उबेद हक को भी बर्खास्त कर दिया गया। डॉक्टर हक ने पीड़िता के लीगल केस रिपोर्ट पर दस्तखत किए थे। इस पर अलीगढ़ प्रशासन का कहना है दोनों डॉक्टरों के निष्कासन का हाथरस केस से कोई लेना देना नहीं, कोविड के चलते उन्हें लीव वैकेंसी पर लाया गया था, अब उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। वहीं डॉक्टर मलिक कहते हैं कि उन्हें मीडिया से बात करने की सजा दी गई है। साल 2017 के गोरखपुर का BRD मेडिकल कॉलेज का मामला याद आ गया, जहां बच्चों की जान बचाने के लिए दिन रात एक करने वाले डॉक्टर कफील खान को ही आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया। ऑक्सीजन किसकी वजह से नहीं पहुंचा, व्यवस्था क्यों दुरुस्त नहीं हुई, जैसे सवाल ही गायब हो गए। सरकार का क्या है, जब भी गले पर छुरा लगा महसूस होता है किसी दूसरे का गला सामने ला देती है। अगर वह अल्पसंख्यक हो तब तो बात बन जाती है, पूरी भक्त मंडली लहालोट होकर जय योगी जय मोदी करने लगती है। हाथरस केस में कितने सवाल छूट गए कभी सोचा है आपने? जब लड़की की हालत गंभीर थी तब उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद लखनऊ या दिल्ली क्यों नहीं भेजा गया? क्यों उसे हाथरस में ही मरने के लिए छोड़ दिया गया? रेफर न करने वाला कौन था? यूपी महिला आयोग की टीम पीड़िता के बयान लेने ना हाथरस पहुंची और ना दिल्ली, क्यों नहीं पहुंची? किसके आदेश ने उसे रोका? पीड़िता के गांव में 2 दिन तक मीडिया व विपक्षी नेताओं को नहीं घुसने दिया गया, क्या छिपाने की कोशिश की जा रही थी? गांव के भीतर किस बात के लिए पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी? पीड़िता हाथरस में थी तो उसका कलमबंद बयान लिया गया, ये बयान अदालत में पेश किया जाता है, फिर इसे लीक किसने किया? लीक करने वाले पर केस दर्ज क्यों नहीं किया गया? जो सवर्ण एकता परिषद बलात्कारियों के पक्ष में माहौल बना रहा था उसके पीछे कौन था? उस पर केस दर्ज क्यों नहीं? पीड़िता के परिजनों का फोन टेप किसके आदेश पर हो रहा था? ऐसे ही न जाने कितने सवाल कभी पूछे ही नहीं गए। पीड़िता जब अस्पताल में भर्ती थी तब उसकी माँ का एक वीडियो किसी ने बनाया जिसमें वह रेप की बात को स्वीकार नहीं करती। एक बात जान लीजिए, रेप के मामले में पीड़िता पक्ष अदालत व पुलिस के सामने ही सच बोलता है। समाज में कोई भी माँ बाप अपनी बेटी के साथ रेप की बात नहीं कबूलता, क्योंकि उसकी बेटी के भविष्य का सवाल होता है। हाथरस में भी माँ मान कर चल रही थी कि उसकी बेटी ठीक हो जाएगी, इसलिए उसने बोला कि बेटी के साथ रेप नहीं हुआ। समाज में रेप की बात तब स्वीकार की जाती है जब पीड़िता की मौत हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि जांच बिना किसी दबाव में आए हो, मेडिकल रिपोर्ट पर आवाज उठाने वालों पर निशाना बनाना बंद किया जाए। किसी के दबाव में काम होगा तो पूरी उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।